फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मैं T12 मैकेनिक का, जो कि एक सोल्डरिंग स्टेशन है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल देखना है तो जल्दी से नीचे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और सारा वीडियो देख लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही कम प्राइस में है, और इसकी क्वालिटी कैसी है जल्दी से जाइए नीचे, वीडियो देखिए डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक सोल्डरिंग स्टेशन, जिसे एक आयरन भी बोलते हैं, जो कि एक सोल्डरिंग स्टेशन के साथ होता है। एक होता है कि सिर्फ एक पेन होता है आयरन का, और एक जो होता है इस तरह का एक स्टेशन होता है जिसे सोल्डरिंग स्टेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक मैकेनिक का, जो कि मैकेनिक एक कंपनी होती है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, जिसके अंदर सारे हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, आयरन होती हैं, या पीपीडी पेस्ट, इस तरह के काफ़ी सारे ये टूल्स बनाती हैं और टूल्स हमें प्रोवाइड करती हैं, ताकि हम रिपेयरिंग में बहुत ही अच्छे से हम रिपेयर कर सके, एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मेरे पास देख रहे हैं एक मैकेनिक का T12 सोल्डरिंग आयरन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे T12 प्रो बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया आयरन जो कि मार्केट में अभी बहुत ही चल रहा है, और इसमें फ्रेंड्स जो इसकी हीटिंग है बहुत अच्छी है, इससे जो क्लीनिंग और जो जो माइक्रो जंपरिंग लगती है बहुत ही अच्छे तरह से लग रही है, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे बैक साइड में आपको मैकेनिक का एक क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, जहाँ पे वो अपना डेट वगैरह डालते हैं, और अपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका नाम और उसका नंबर यहाँ पे बैक साइड आपको देखने को मिलेगा। और बैक साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार यहाँ पे इसे नीचे हमें स्टेबल करने के लिए, रखने के लिए, इस तरह के रबर के चार यहाँ पे पैड दिए गए हैं, ताकि ये आयरन हिले नहीं। और अगर बाजू में देखने तो को आपको कुछ नहीं मिलेगा, और ऊपर के साइड यहाँ पे चाइनीज में लिखा हुआ है। इसके अंदर जो प्रेशर है वो बहुत हाई है, और अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आप प्रोफेशन नहीं है तो यहाँ पे इसे मत ओपन करिए, इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, लगा हुआ है, जो कि 250 वोल्ट का एक फ्यूज यहाँ पे अंदर रखा गया है, ताकि हीटिंग या फिर ओवर वोल्टेज की वजह से ये आयरन डायरेक्टली खराब ना हो, बल्कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूज की तरह यहाँ पे एक सिंबल इन्होंने बना दिया है। इसके अंदर एक फ्यूज रखा गया है, और यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है, अगर आप चाहो तो इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका केबल है, जो कि हमारा जाके पावर केबल जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे देखिए QC पास लिखा गया है यहाँ पे। तो ये एक इसके ओरिजिनलिटी की गारंटी है कि ये एक बहुत ही अच्छा एक सोल्डरिंग स्टेशन है। तो आप अगर चाहे तो ये ले सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, इस तरह का इसका पेन आता है मैकेनिक का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिक सोल्डरिंग आयरन इस पर लिखा हुआ है। और ये जो बिट्स होती हैं फ्रेंड, सामने से आप इसे यहाँ से ओपन करके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिट्स इसमें लगा सकते हैं। अगर ये बिट खराब हो जाती हैं तो इसके साथ भी और भी बिट्स अलग से आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं। और इसे रखने के लिए यहाँ पे एक स्टैंड दे दिया गया है, और इसे क्लीन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। आपको इस तरह का स्पंज होता है, जो कि हम आयरन को इस तरह से पानी, थोड़ा सा इसमें पानी लगाना होता है, या तो कोई पेस्ट लिक्विड आता है उसके साथ आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो आयरन होती है, इसे आपको रांगा या रेती रेती जिसे बोलते हैं, फाइल जिसे बोलते हैं, उसके साथ इसे घसना नहीं होता है, बस नॉर्मली इस तरह से क्लीन कर दीजिए। ये काफ़ी लंबे समय तक आपको चलेगी, ये ख़राब नहीं होगी। इसकी आप देख सकते हैं नोकीली है, बहुत ही अच्छी है, इसे क्लीनिंग में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हमने अभी देखा है इसको। तो यहाँ पर रखने के लिए इस तरह का एक स्टैंड दे दिया गया है, और इसका कलर जो है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कलर है, गोल्डन और रॉयल ब्लू कलर है। और अगर बात करें वर्किंग की तो ये बहुत ही अच्छी हीट होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो हीटिंग इसकी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हीट सेट करने के लिए यहाँ पे मिनिमम का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे मैक्सिमम का ऑप्शन। तो मिनिमम अगर बात करें, इसको इस तरह से घुमाना है आपको, तो मिनिमम अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 200 डिग्री तक ये कम हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसे घुमाना है, 200 तक सेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बढ़ाना चाहें तो इसे यहाँ पे 450 डिग्री तक आप इसे गर्म कर सकते हैं, और बहुत ही इमीडिएटली ये गर्म होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं इस तरह से इसकी हीटिंग जो है फ्रेंड, बहुत अच्छी हीट हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये आयरन हमें जंपर करने के लिए या फिर क्लीनिंग करने के लिए बहुत अच्छा आयरन है। अगर आप एक प्रोफेशनल काम करते हैं, MMC या फिर CPU लेवल पे काम करते हैं, तो आपके पास एक अच्छे टूल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आयरन आप देखने को मिलेगी आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, मैकेनिक कंपनी की है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी का
यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये एशिया टेलीकॉम की तरफ से आपको ये वीडियो स्पॉन्सर है, आप देख सकते हैं इसे। और हमारा काम यही होता है कि हमारे स्टूडेंट को, फॉलोअर्स को एक अच्छी चीज बताएं, एक अच्छी टूल के बारे में नॉलेज दें ताकि उनके पैसे बर्बाद ना हो। काफी सारे आयरन मार्केट में मिल रहे हैं जो कि बहुत महंगे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास आपको आयरन मिलते हैं। जेबीसी कोई खरीदता है, कोई कोई और सोल्डिंग स्टेशन खरीदता है, कोई सुगुन का खरीदता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मैकेनिक का अगर चाहे तो आप T12 प्रो भी ले सकते हैं या T12 भी ले सकते हैं, दोनों भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है इसका देखने में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हीटिंग की बात करूँ तो हीटिंग तो आपको मैंने बता ही दी है कि कुछ सेकंड में ये आयरन हीट हो जाता है। तो ये आपको आईसी वगैरह क्लीन करने के लिए या जम्पर करने के लिए या मदरबोर्ड पे पीसीबी को आपको चाहे जो पैड्स होते हैं उसके उससे क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा आयरन है। तो ये आपको 2000 से 2200 2500 के अंदर मिल जाता है। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ZS मलिक का नंबर मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हैं या फिर आप जहां से आपको लगे आप वहां से खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक नया एक सोल्डिंग स्टेशन जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐड हो चुका है। वैसे हमारे पास सारे आयरन है, अगर बात करूं सुगुन की, जैसे कि आप देख सकते हैं सुगुन का भी आयरन हमारे पास है, जेबीसी हमारे पास है, या फिर जितने भी आपके बी ट्रेंड के आयरन होते हैं, इस तरह के सारे स्टूडेंट को हम बी ट्रेंड का ही आयरन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप और भी नॉलेज जानना चाहते हैं, और भी टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको सीखना है प्रॉपर वे में कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग अगर सीखनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप एशिया टेलीकॉम, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो स्लोगन है, वी टीच यू एंड यू फिक्स इट। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे कमेंट में अपना प्यारा सा एक कमेंट दे दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।